आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज छात्रों ने बिहार बंद का ऐलान किया है, ऐसे में बड़े प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। वहीं खान सर ने छात्रों को प्रदर्शन ना करने की अपील की है। बिहार के परिस्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जब जब प्रतियोगी छात्रों ने मांगी सरकार से नौकरी, तब तब सरकार ने छात्रों पर बरसाई पुलिस की लाठियां। आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। तारीख 25 जनवरी, दिन मंगलवार, समय रात के 9 बजे और जगह है प्रयागराज के प्रयाग स्टेशन। आरआरबी एनटीपीसी की आग पटना से प्रयागराज पहुंच चुकी थी। हॉस्टल और लॉज में रहने वाले हजारों की संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की फौज रेल रोको आंदोलन को दशा और दिशा देकर अपने अपने कमरों में लौट रहे थे, तभी खटखट बूटों की आवाजें खनकने लगी। पहले माले पर 30 पुलिस वाले चढ़े, दरवाजों पर ठाए ठाए लाठी पीटने लगे और लॉज के जर्जर दरवाजे भरहरा पड़े। अंदर 22 साल के, 25 साल के, 28 साल के छात्रों के पैर कांप गए। लाठियां बजने लगी, दरवाजों पर नहीं बल्कि छात्रों के पीठ पर, पैर पर, पेट पर, हाथ पर और जहां पाए वहीं पर। पुलिस वाले चीख रहे थे, नीचे चल, नीचे चल। यह पहली बार नहीं था। साल 2017 से 2022 के बीच इन्हें 8 बार पीटा जा चुका है। आंकड़ों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि कब कब छात्रों पर पुलिस की लाठियां कहर बनकर टूटी हैं। छात्रों पर लाठी की आवाज में विपक्ष ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। 24 अक्टूबर 2017 और जगह लखनऊ। लखनऊ के गांधी प्रतिमा के समक्ष मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। गुस्साई महिला प्रदर्शनकारियों ने जो भी हाथ में आया पुलिस पर फेंकना शुरू कर दिया था। लाठी चार्ज और भगदड़ में दर्जनों महिलाएं प्रदर्शनकारी घायल हो गई थी। 18 अप्रैल 2018, जगह लखनऊ। पुलिस ने उनको ही पीटा जो फ्यूचर में पुलिस बनने वाले थे। दरअसल अभ्यर्थियों ने परीक्षा 2013 में पास की थी, लेकिन नौकरी 2018 तक नहीं मिली, जिसकी मांग को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस अभ्यर्थियों पर कहर बनकर टूटी थी। 5 सितंबर 2018 और जगह लखनऊ। लखनऊ के ईगो गार्डन से गांधी प्रतिमा जा रहे बीएड और यूपीटीएटी 2011 पास अभ्यर्थियों पर भी लाठी चार्ज हुआ था। पुलिस के लाठी चार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए थे। इसमें इलाहाबाद की गर्भवती मुक्ता कुशवाहा भी घायल हो गई थी, जिसके बाद खूब सियासी बवाल मचा था। 13 सितंबर 2021 ललितपुर। 12वीं कक्षा में पास होने के बाद भी 854 बच्चों की मार्कशीट में नंबर की जगह XXX लिखा था। रिजल्ट में संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कहर बनकर टूटी थी। 4 दिसंबर 2021 लखनऊ। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले भर्ती, शिक्षक भर्ती में भी अभ्यर्थियों पर पुलिस की लाठी का जोर दिखा। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास के सामने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सवाल और शिक्षकों की भर्ती में धांधली के आरोप में कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, उसी समय अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प हो गई। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें लाठियों से जमकर पीटा। लाठी चार्ज के बाद मची भगदड़ से घबराए अभ्यर्थियों ने रेलिंग से कूदकर अपनी जान बचाई थी। ये घटनाएं 2017 से 2022 तक की हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि सपा बसपा की सरकारें युवाओं पर फूल बरसाती थी। सपा सरकार में भी 5 बार और बसपा में 3 बार युवाओं को बेरहमी से पीटा गया था। इस तरह की घटनाओं के बाद फैज की ये नज्म ही युवाओं का सहारा बनती है। फैज लिखते हैं, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन की जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है, जब जुल्म ओ सितम के कोहरे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच।